कांग्रेस वरिष्ठ नेता नवदीप शर्मा नब्बी की पिंजौर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हुई सीधी बात। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मोबाइल पर लाइव हुए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट नवदीप शर्मा नब्बी की रविवार की दोपहर करीब 1:09 पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मोबाइल पर सीधी बात हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे एवं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मोबाइल पर वीडियो कॉल से लाइव बातचीत हुई। बातचीत करीब 15 मिनट के आसपास चली। कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट कालका निवासी नवदीप शर्मा नब्बी ने पिंजौर के नब्बी फार्म हाउस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रखा था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा की युवा टीम ने इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और युवाओं ने ब्लड डोनेट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मौके पर नवदीप शर्मा नब्बी से मोबाइल पर सीधी बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बहुत अच्छा है कि कालका से युवा टीम कोरोना काल में भलाई के काम कर रही है। उन्होंने युवा टीम को कैंप का आयोजन करने पर बधाई दी और युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कालका की युवा टीम बधाई के पात्र हैं, जो एक सेवा का काम कर रहे हैं और कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से सीधी बात की और कांग्रेस वरिष्ठ नेता नवदीप शर्मा नब्बी ने ब्लड डोनेशन कैंप की लाइव वीडियो दिखाई और युवाओं से मिलवाया। फौजी टीम दीपेंद्र द्वारा अभी हमारे पास 150+ यूनिट हो चुके हैं और ये कालका पंचकूला का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, जिसमें 200 से ऊपर टीम दीपेंद्र ब्लड डोनेट कर रही है। बाउजी आपने हमसे बात की, आपने टीम का हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी कालका विधानसभा और टीम दीपेंद्र आपके आभारी हैं। अभी युवाओं को एक छोटा सा संदेश दे रहे थे कि टीम दीपेंद्र कालका का हौसला बढ़ जाए, कोई 2 शब्द आप बोल देते अपने मुख से। चलो चलो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा है, जन सेवा काम कर रहे हो, लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हो, इससे अच्छा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, और हम आपके मार्गदर्शन के ऊपर चल रहे हैं कालका के अंदर। थैंक यू वेरी मच। शाम तक कैंप में 143 से भी अधिक लोगों ने कैंप में ब्लड डोनेट किया था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कालका में और पंचकुला में इस तरह का यह पहला और बड़ा कैंप है। उन्होंने इस महान कार्य के लिए नवदीप शर्मा नब्बी की और युवा टीम को बधाई दी। नवदीप शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया कि कोरोना काल में वो सभी कार्य किए हैं जो उनकी टीम द्वारा करने थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस कैंप की लाइव वीडियो देखकर बेहद खुश हुए और कांग्रेस वरिष्ठ नेता नवदीप शर्मा नब्बी को आशीर्वाद दिया और भविष्य में इस तरह के कार्य करते रहने को कहा। यहाँ पर चांदवीर सिंह हुड्डा, आरसी शर्मा, अन्य कांग्रेसी वर्कर मौजूद रहे। जो है 100 से ज्यादा तो बहुत बड़े कैंप में ही संभव हो पाता है, तो आपने तो 100 क्रॉस कर लिए मेरे कैंप है। अभी हमारे 143 हो चुके हैं। हाँ, तो 143 तो यानी बहुत बड़ा कैंप का आयोजन किया गया है, क्योंकि लगभग नॉर्मल साइज कैंप होते हैं उनमें गांव स्तर पर तो 50 ही हो पाते हैं, पर 100 से बड़ा के लिए तो काफी बड़ा कैंप चाहिए होता है। मोंटी जी भी दिख रहे हैं, अंकल गुलाटी जी भी दिख रहे थे अभी, और बाकी जो है अपना सभी साथी दिख रहे हैं, आप चांदवीर जी दिख रहे हैं, बाकियों से आप इंट्रोडक्शन कराएंगे। नब्बी जी, अच्छा काम लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। हम टीम दीपेंद्र कालका विधानसभा, जब से ये कोरोना महामारी आई है, पूरी टीम दीपेंद्र ने आपके आदेशानुसार कालका विधानसभा में वो सभी कार्य किए हैं जिन कार्यों को लेकर कोरोना महामारी को टीम दीपेंद्र हरा सकती है, और कालका विधानसभा से